चार टोटल फोर एक चार लोग पकड़े गए हैं, उसमें से एक आदमी दिल्ली से पकड़ा गया और तीन साइबर रांची से पकड़े गए, ठीक है, इनके नाम मैं बता रहा हूँ। तो जो गिरडी से पकड़ा गया उसका नाम है मोहन साव, ये करीब 28 वर्ष का है, ये पीरटन थाना से अपने ससुराल से पकड़ा गया, ठीक है, ये वेटरन साइबर अपराध कर्मी है। इसके अलावा दूसरा गोपाल सिंह जिसकी उम्र 28 वर्ष है, तीसरा एक अमर प्रताप सिंह और शुभम कुमार, ये पुलिस अफसर का रिटायरमेंट अधिकारी का बेटा है, और चौथा है सपन कुमार सिन्हा, ये करीब 39 ईयर्स का है और ये भी रांची में से पकड़ा गया। ये चार लोग पकड़े गए हैं और जो रिकवरी हुई बता रहा हूं मैं, 11 मोबाइल फोन, 25 सिम कार्ड, 14 चेकबुक या पासबुक, 19 एटीएम कार्ड्स, 3 लैपटॉप, 21,550 रुपए कैश में, इसके अलावा एक स्वाइप मशीन, एक स्कैनर मशीन और एक राउटर, इतनी चीजें पकड़ी गई हैं इन चारों व्यक्तियों से, राइट। तो जरा मैं क्राइम के बारे में आपको बता देता हूं, इसमें एक एफआईआर पुरानी है और एक नई एफआईआर की जा रही है। तो पुरानी एफआईआर जो है उसका नंबर 16/2023 साइबर थाना रांची का, साइबर सीआईडी साइबर थाना का, इसमें मोहन साहब अरेस्ट हुआ है। ये मोहन साहब गिरफ्तारी कैसे हुई थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूं, बिकॉज हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया इसमें। इसमें क्या हुआ था, जो 16 नंबर केस में मोहन साहब ने जो पैसे को फ्रॉड किया था उसके थ्रू उसने 6 मोबाइल फोन खरीदे थे जियो मार्ट से। तो जो हमारी आईओ डीएसपी नेहा और सीटीओ विभूति और आईओ मनोज राय, इन्होंने मिल करके इसको पूरा इन्वेस्टिगेट किया और इन्होंने जियो मार्ट से उस मोबाइल नंबर का आईएमईआई प्राप्त किया। उस आईएमईआई के माध्यम से इन लोगों ने उस आईएमईआई के ऊपर कौन सा सिम इस्तेमाल हुआ उसको लोकेट किया। उस सिम को लोकेट करने के बाद में उस सिम का फिजिकल लोकेशन इन्होंने प्राप्त किया। फिजिकल लोकेशन प्राप्त करने के बाद में पता चला कि वो आदमी गिरिडीह में कीर्तन थाना के गांव में रह करके अपना काम कर रहा है। उसके बाद में यहाँ से टीम भेजी गई जिसने गिरिडीह के कीर्तन थाना से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, मोहन पांडे को, राइट। तो ये मोहन पांडे जो है ये काफी सातिर अपराध करनी है और ये इसका जो है ये काफी इसकी इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये क्या करता है, ये फेक एप्स को लोगों को बेचता है जैसे कि पहले भी हो रहा था और उनके माध्यम से पैसा कमाता है। इसका एक बहुत खास दोस्त है जिसका नाम है शेख बिलाल। ये शेख बिलाल भी गिरिडीह गांडे थाना का रहने वाला है, राइट। ये भी कल रात में अरेस्ट हुआ, गिरिडीह पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। इसके ऊपर से जो मोबाइल फोन बरामद हुआ है, जब उस मोबाइल फोन को विभिन्न बैंक को भेजा गया तो पता चला कि उस मोबाइल फोन के ऊपर में एक कोटक बैंक में अकाउंट खुला हुआ है। जब उस अकाउंट का वेरिफिकेशन किया तो पता चला उसमें करीब 66 लाख रुपीज पूरे देश भर के विभिन्न शहरों से डिपॉजिट हुए हैं और उस अकाउंट में कई पुलिस फोर्सेज जैसे महाराष्ट्र पुलिस और केरल पुलिस जैसे उस अकाउंट से जो पैसे आए उसके विक्टिम्स केरला के भी हैं, महाराष्ट्र के भी हैं। उस अकाउंट पर ऑलरेडी विभिन्न पुलिस अधिकारियों ने विभिन्न पुलिस फोर्सेज ने एक होल्ड लगाया हुआ था। तो 66 लाख में से बाकी पैसा तो निकल गया लेकिन करीब 3,70,000 रुपए उस अकाउंट में आज की तारीख में उपलब्ध है। ये शेख बिलाल जो है ये गिरिडीह में अरेस्ट हुआ, इसके लिए अलग से एक एफआईआर गिरिडीह में साइबर थाना के द्वारा गिरिडीह साइबर केस के द्वारा की जा रही है। ये बात होगी उसके आगे बढ़ते हैं। तो जब मोहन साहब को जब पकड़ा गया तो उसके मोबाइल नंबर पर एक व्यक्ति के बराबर कॉल आ रहे थे। तो जब उस व्यक्ति को पकड़ा, उस व्यक्ति का मोबाइल को ट्रेस किया गया तो वह पंडरा रांची का उसका लोकेशन मिला। जब उसको वहां पे जब रात में छापेमारी की गई तो वहां पे शुभम सिंह नाम का एक व्यक्ति अरेस्ट हुआ। ये शुभम सिंह जो है इसका नाम है अमर प्रताप सिंह और शुभम सिंह, ये भी एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी का बेटा है। तो जब इसको पकड़ा गया तो काफी सारा सामान इसके से बरामद हुआ जिसकी लिस्ट मैंने आपको दे दी है। और इसके यहां से एक और आदमी पकड़ा गया जिसका नाम है सपन कुमार सिन्हा। ये व्यक्ति सपन कुमार सिन्हा जो है ये भी साइबर अपराधी है। ये इसका मेन काम, इसके दो काम मेन है। पहला काम क्या करता है, ये कि बीएसएनएल के सिम्स निकालता है अपने नाम से और उनको साइबर अपराधियों को उपलब्ध करवाता है, पहला काम ये करता है। दूसरा काम ये क्या करता है, ये फेसबुक के पेज बनाता है डेटिंग के लिए और वहां पर ये जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स को अट्रैक्ट करता है, उनको बोलता है क्या, उनको वहां पे मोबाइल नंबर डिस्प्ले करता है और उन लोगों से पैसे लेता है और उस पैसे के वो ये साइबर फ्रॉड करता है।
ये हो गया 54 संहिता। तो इसके द्वारा जो दो फेसबुक पेज चलाए जा रहे थे एप डेटिंग, एक का नाम है राखी फ्रेंडशिप और दूसरे का नाम है सपना फ्रेंडशिप क्लब। तो राखी फ्रेंडशिप क्लब और सपना फ्रेंडशिप क्लब बोल करके ये जो है सिन्हा भी चला रहा था राइट। इसके अलावा एक आदमी और पकड़ा गया जिसका नाम है गोपाल सिंह राइट। गोपाल सिंह जो है ये शुभम और सपन के जो कन्फेशन थे दोनों को पूछताछ किया कड़ाई से, तो इन्होंने एक और आदमी का नाम बताया गोपाल सिंह। ये गोपाल सिंह जो है ये एक नया टाइप का क्राइम करता है। ये क्या करता है, दिल्ली में किसी व्यक्ति से कनेक्टेड है जिसका नाम है गौतम। गौतम को हम लोग ट्रेस आउट कर रहे हैं गौतम कौन है ये, तो दिल्ली के गौतम से ये कनेक्टेड है और गौतम के माध्यम से ये लोग जो है ये पोर्नोग्राफिक साइट्स बनाते हैं जहां पर सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल को डिस्प्ले करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, लोगों को एडवर्टाइजमेंट भी देते हैं। तो उस जैसे एक वेबसाइट का नाम है इनका mydigiro.wixsite.com। तो mydigiro.wixsite.com ये साइट अभी भी चालू है, आप लोग भी चेक कर सकते हैं। इस साइट पर आप जाएंगे तो वहां पे मोबाइल नंबर डिस्प्ले होते हैं जिसके थ्रू आप लोग इस तरह जो लोग इस तरह काम करते हैं कर सकते हैं। तो आप अगर पूरे साइबर क्राइम को देखेंगे तो इसमें कई तरह के क्राइम हो रहे हैं। इसमें बैंकिंग एप्स बनाई जा रही है फेक, इसमें फेसबुक पेज बनाए जा रहे हैं, इसमें डेटिंग एप्स बनाई जा रही है, इसमें पोर्नोग्राफिक मटेरियल उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो इस तरह इसमें फेक बैंक अकाउंट्स क्रिएट किए जा रहे हैं, इसमें फेक सिम कार्ड निकाले जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा गैंग इसमें पकड़ा गया फाइनेंशियल या मनी रिकवरी इज स्मॉल बट दी नंबर ऑफ पर्सन अरेस्टेड इज वेरी लार्ज। इनके मोबाइल फोन में बहुत सारा डेटा मिला। उदाहरण के लिए ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, जैसे इस प्रकार का डेटा ये मिल रहा है, ये करीब करीब 80,000 लोगों का इसमें डिटेल्स है। ये मुंबई का है, इसमें इन लोगों के नाम, इनके ये क्या बोलते हैं ईमेल आईडीज, मोबाइल नंबर्स, एड्रेस और इनके और बहुत सारी चीजें इसमें डिटेल मिल रही है इसमें। तो हम अभी हम लोग पता लगाने का कोशिश कर रहे हैं, मुंबई पुलिस को हम लोग इससे शेयर करेंगे। हमें लगता है कि ये डेटा को ये लोग यूज करते हैं अपने लोगों को ट्रैप करने के लिए। तो इसका मतलब है कि जो मोबाइल पे जो SMS जा रही है वो रैंडमली नहीं जा रही है, उसके लिए ये लोग पहले डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, डेटा इकट्ठा करके फिर ये सिलेक्टेड लोगों को SMS भेज रहे हैं। सर इन दिनों सेक्सटॉर्शन का अगर केस की बात करें तो काफी बढ़ गया है सर, लोगों से पैसे जो है सेक्सटॉर्शन के जरिए मांगे जा रहे हैं, इसको रोकने के लिए क्या कुछ उपाय कर रहे हैं? कई एफआईआर दर्ज हुई है, सेक्सटॉर्शन का जो बेसिक हब है या जो वो है वो झारखंड ही है, वो विवाद अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।